सुबह सपा के कार्यवाहक राष्ट्रीय महासचिव और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर का बयान सामने आया। बेदी राम को सपा का विधायक बताने पर अपने पिता ओम प्रकाश राजभर के बयान पर बोलते हुए अरविंद राजभर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट साबित करेगा कौन सही है और कौन गलत। अरविंद राजभर ने कहा कि हमारा विधायक हमारे साथ है, हमारी मीटिंग में है। अरविंद राजभर ने कहा कि जब तक कोर्ट कह नहीं देता हम चपे रहेंगे। अरविंद राजभर ने कहा कि 2022 में हमारा सपा से गठबंधन था। अखिलेश यादव ने 17 सीट हमको दी और ज्यादातर अपने प्रत्याशियों को दिए। उन्होंने सुबह सपा को खत्म करने की नीयत से ऐसा काम किया। अरविंद राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव की गठबंधन की भूमिका भस्मासुर की तरह होती है। अरविंद राजभर ने कहा कि हम अंतिम क्षण तक अपने विधायक की लड़ाई लड़ेंगे। गाजीपुर में आज कार्यकर्ता सम्मेलन में अरविंद राजभर के साथ विधायक बेदी राम पहुंचे थे। गाजीपुर से मोहम्मद साहिद की खास रिपोर्ट। देखिए, लोकसभा चुनाव अभी बीता है। लोकसभा चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी तन्मयता पूरी ताकत के साथ एनडीए गठबंधन के पक्ष में प्रचार प्रसार भी किया, मतदान भी किया और कराया भी। चुनाव के बाद हमने अपने पार्टी में सदस्यता महाअभियान का आगाज किया है और इसी कड़ी में हम पश्चिमांचल के कई जनपदों का दौरा करते हुए, कल अभी मैं बलिया में था, बलिया में सदस्यता महाअभियान का आगाज किया और आज मैं गाजीपुर में आया हुआ हूँ। हर बार की तरह इस बार भी जिस प्रकार से पार्टी के संविधान में है कि 3 साल की सदस्यता हम दिलाते हैं और 3 साल की सदस्यता के बाद जब 3 साल पूरा हो जाता है तो सदस्यता भंग करते हुए नए सिरे से और नए रूप में सदस्य का चयन करते हैं, फिर उन्हीं को संगठन में विस्तार भी देते हैं। आज सुर्खियाँ तो चल रही हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अब वो आगे का विषय है, जैसा अपडेट होगा वो तो सबके सामने ही रहेगा। देखिए, ऐसा है, 2022 का गठबंधन हमारा था, बार बार विपक्ष के द्वारा ये आरोप लगाए जाते हैं लगातार, तो ये बात आज की थोड़ी है, ये पुरानी बातें हैं और पुरानी बातों को लेकर के हम नया बखेड़ा नहीं खड़ा करते। हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, हमारे विधायक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हर बार जब भी कोई स्टैंड लेती है तो बकायदे सोच समझ के लेती है। हाँ, ये बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जो विपक्ष बार बार कहता है कि 17 सीट दे करके ओम प्रकाश राजभर जी ने किसको लड़ाया, अरे भाई, गठबंधन में जब बाध्यता तय कर देंगे कि कौन प्रत्याशी हुआ कौन नहीं होगा, और ये माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा से इनकी यही चाल रही है, 17 सीट दिए, 17 सीटों को उन्होंने मैक्सिमम प्रत्याशी अपने दिए और अपने प्रत्याशी देने के बाद वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को खत्म करने की नीयत से इस प्रकार से किया था। आपको याद होगा, मैं इसी गाजीपुर में एक स्टेटमेंट दिया था कि अखिलेश यादव जी की गठबंधन की भूमिका भस्मासुर जैसी रहती है। वो तो सीट तो देते हैं लेकिन अपने लोगों को साथ में जोड़ करके पार्टी को खत्म करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम कार्यकर्ता, अगर हमारा विधायक जीता है तो कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद, सहयोग और उसके मेहनत से जीता है। हम अंतिम क्षण तक हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे और अपने कार्यकर्ता के साथ साथ अपने माननीयों को भी सुरक्षित करने का प्रयास। आपने हमसे पूछा सीट को लेकर के, प्रत्याशी को लेकर के, मैंने उसका जवाब दिया और मैं इसे भाग भी नहीं रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, कोर्ट साबित करेगा ना भाई कौन सही है कौन गलत है। व्यक्ति विशेष थोड़ी साबित करेगा, विपक्ष थोड़ी साबित करेगा, ये मामला कोर्ट का है, कोर्ट समझे, कोर्ट जैसा जवाब देगा उस पर हम काम करेंगे। लेकिन मैं आज कह रहा हूँ, हमारा विधायक मेरे साथ है, हमारा विधायक मेरी मीटिंग में है और जब तक कोर्ट कहने देता तब तक हम चपे रहेंगे एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।